और उदय कर चलो वायुमंडल शांत रखो। तो हम लोग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा जानकारी रिवीजन परमाणु के बारे में देते हैं। और वो जो जो दो पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं एटम्स क्या होती है। इसीलिए सुनना है, बोलना किसी को नहीं, जहाँ डाउट होगा जहाँ पूछेंगे वहीं जवाब देना है, बिना मतलब का नहीं बोलना। लास्ट में जैसे क्लास चला वैसे चलना चाहिए बस, नहीं तो फिर जन्मे करता है तुमको पता नहीं लगेगा कहाँ छिप छुपे हैं हम, समझ रहे हो ना। तो प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है। जैसे एटम पता है क्या होता है, एटम नहीं है तो थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सृष्टि का निर्माण हुआ है परमाणु से और परमाणु सृष्टि का सबसे न्यूनतम कण है। जैसे इसका बहुत सारा टुकड़ा करेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे तो वही क्या हो जाएंगे, परमाणु। डस्टर से जो लिखते हैं टीचर खाली वाला बोर्ड पर, वो जो डस्टर का बुरादा गिरती है वो बुरादा को भी लाखों टुकड़ा करेंगे तो वो जो अंतिम टुकड़ा होगा उसका फिर लाखों टुकड़ा सोचते हो वही परमाणु है। बात समझ में आ गया ना, वह हम लोग उस बारे में पढ़ने वाले हैं। चूँकि ये केमिस्ट्री नहीं है इसीलिए उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा जानकारी देते हैं परमाणु क्या होती है। वो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर उतना ही परमाणु डिस्कस किया जाएगा जितना करंट में कम होंगे, क्योंकि करंट जो बहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो कारण। तो क्या क्या होती है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों आपस में कैसे संबंध रखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे ताकि करंट के विषय को समझ पाए हम लोग। इसे यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु के अंदर जैसे किसी पदार्थ का एटम है, अब तुमको पता होगा एटम का साइज काफ़ी छोटे हैं लेकिन समझने के लिए क्या करते हैं लोग बड़ा करके बनाते हैं। ये किसी पदार्थ के परमाणु हो चुके हैं और परमाणु के न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और इसे कहते हो नाभिक, ये न्यूक्लियस कहते हो, ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, वैल्यू बोलो और ऐसे 1.6 पर माइनस में इसको सुनो। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, वही प्लस में होगा, उसी के प्लस में, समझ में आ गया ना। और याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो -1.67 हालांकि हैं तो हम लोग 1.6 ही रखते हैं, वो 6.7 है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती आवेश होती है वो माइनस का होती है, -1.6 × 10⁻¹⁹ -19 कुलम्ब, और आवेश का मात्रक कुलम्ब SI मात्रक होता है। हर एक क्वेश्चन जितना बोले सब सुनना, एक हो गया दिमाग से क्वेश्चन गया। और आवेश का SI मात्रक कुलम्ब है और CGS मात्रक ESU है, समझ में आ गया ना। 12th में पढ़ा होगा है ना, ESU नहीं है, 12th में जब पढ़ेगा तो यहीं शुरू करते हैं आवेश से ही। आवेश क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा अभी जितना कहेंगे वो निचोर, एक तरह से बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का निचोर बोल रहे हैं अभी आगे 20-25 मिनट तक, इसलिए सुनना एक एक लाइन क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो माइनस का होते हैं और प्रोटॉन पर जितना है सेम ही होंगे लेकिन ये प्लस का होंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरह तरफ चक्कर लगाते हैं जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में उपस्थित रहते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ये उदासीन होते हैं और इस पर चार्ज जीरो होते हैं, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं होंगे, यानी कि इस पर न्यूट्रल होंगे और इस पर चार्ज जो होगा वो जीरो चार्ज होता है, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है। अब हमने पढ़ा है हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेट में, दो मैग्नेट को लाएंगे आपस में, मान लेते हैं कि इसका नॉर्थ पोल है और इसका कौन पोल है, साउथ। अच्छा ये नॉर्थ तीर वाला, ये भी नॉर्थ और ये के साउथ है, दो नॉर्थ पोल को साथ लाएंगे तो क्या होंगे, आकर्षण, विकर्षण होगा, इसलिए दूर भागेंगे। अच्छा नॉर्थ पोल लाएंगे तो साथ होंगे। अच्छा देखो, अभी तक तुमने रटा है कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होंगे, अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज, अब बहुत सारे प्रोटॉन होंगे तो फिर सब पहले साथ कैसे रह सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया अभी क्या कहा मैंने, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पहले प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उसको तो दिक्कतें नहीं है, चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पर कौन चार्ज, तो फिर सब प्रोटॉन कैसे साथ रहता है, ये चीज़ डिस्कस नहीं कर चुके हैं। और ये फिजिक्स का पार्ट है और मैंने बताया भी था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज है वो मॉडर्न फिजिक्स में है, बताया था ना मैंने बताया। अभी जानते हो कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो चूंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही सिर्फ है ना, और वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होते हैं, प्रोटॉन, तो एक साथ कैसे रह सकता है वो,
संभव नहीं है। क्यों, तू तो जानते हो प्लस प्लस रिपेल होकर तो सब तो दूर भाग जाएगा दूसरे, लेकिन दूर तो भागता नहीं, फिर तो साथ बने हुए, आखिर बात क्या है इसमें, ये बात क्या डिस्कस नहीं हुआ है। आज जो क्लास किया उसको पता होगा, आज जो प्रवेश किया होगा किसे चलेगा पता की हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। आज क्लास लिया था इससे आज नहीं गए थे सर, बोले आज बोल दिए थे लिखेगा तब मैं इसको कल, तो अपने काम भी समझा देना, लिखते रहेगा बाद में ही। तो मैंने अब सोचो कंसेप्ट बात यहाँ से मैंने बताया कि प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज हैं तो साथ नहीं रह सकते हैं, फिर भी साथ रहते हैं, आखिर क्यों रहते हैं, क्योंकि इसके बीच इसको अब कोई रखेगा दाब के तरह वगैरह तभी ना रहेगा संभव, संभव है। जैसे मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये भी कैसा पोल है, अब मान लो ऐसे रखेगा तो पक्का ऐसे हो जाएंगे, अब फिर भी धर के हम लोग रखते हैं रहता है ना, कस के पकड़ के यानी क्या लगा रहे हैं दोनों पर बल लगा रहे हैं, तो ये भी रह रहे हैं साथ में, मतलब कोई बल लगता होगा इस पर, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं और ये क्या लिखा हुआ है लगेगा नाभिकीय बल इस पर है, प्रोटॉन पर है पूरा नाभिक पर लगते हैं बल, और उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, कहीं जरूर लिखे होंगे, हाँ न्यूक्लियर फोर्स लिखे हैं, नाभिकीय बल और काफी इम्पोर्टेंट चीज, नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स और सृष्टि में न्यूक्लियर फोर्स से इम्पोर्टेंट मतलब ताकतवर कोई भी फोर्स नहीं है, सबसे ताकतवर यही है पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स में, नाभिकीय बल से अधिक शक्तिशाली कोई भी बल नहीं है, और कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाएंगे, मान लो कुछ होता है मान लेते हैं, मान जाएगा ना, सबसे ताकतवर फोर्स क्या होती है नाभिकीय बल और सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात दोनों रखना ध्यान में। अब देखो प्रोटॉन जो साथ में है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन साथ में है, इस प्रोटॉन को चारों तरफ से न्यूक्लियर फोर्स प्रेशर लगाया हुआ है, दबा हुआ है, बल लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब प्रोटॉन भागता नहीं है, एक के साथ सब रह रहा है, प्लस चार्ज होने के बावजूद रिपेल कर दे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स लगाए हुए हैं जिसके कारण एक साथ ये रह जाते हैं, तो नाभिक पर कौन बल काम करते हैं नाभिक, एक क्वेश्चन निकल गया, और वो अधिक कमजोर होते हैं शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली ऑप्शन में दो तीन को और देगा अधिक शक्तिशाली होंगे नाभिकीय बल, दो चार को और कुछ देगा आंसर में, हमेशा ठीक करना नाभिकीय बल, जब कुछ छोड़े नाभिकीय बल आंसर लगेगा उसका, समझ में आएगा ना। अब कुछ बात लगे हुए हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम लिखेंगे नहीं, ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रबल बल है नाभिकीय बल, दूसरा फैक्ट यह बल आकर्षित करने वाले होते हैं, अल्प दूरी में लगने वाला बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, दो चार बात कहकर निकल गया पति चला, सुनो एक बात तो समझ गया ना बल लगेगा, अच्छा दूसरा बात पहले समझना है, यह दूरी यह बल अल्प दूरी में काम करते हैं, यानी कि बहुत कम दूरी पर, और चूंकि न्यूक्लियस है काफ़ी छोटे साइज है, पता कितना साइज है, ये क्या लेंगे 5 किलोमीटर त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ मारो और उसका जो सेंटर में एक छोटा सा फुटबॉल गेंद रखो, तो 5 किलोमीटर त्रिज्या का हो गया परमाणु और छोटा सा गेंद जहाँ रखा वो हो गया न्यूक्लियस, तो चूंकि न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, समझ रहे हो ना, तो प्रोटॉन काफ़ी नज़दीक होते हैं एक दूसरे, क्या होंगे काफी नज़दीक, तो कम दूरी पर दो गो किसी प्रोटॉन के बीच में बल लगेगा, या यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे दे दिए, न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज देना है, प्रोटॉन पर चार्ज है, तो नाभिकीय बल कहते हैं, पहला बताया गया ये बल अल्प दूरी में लगते हैं, मतलब दूरी बहुत अधिक नहीं हो, दूरी काफ़ी क्या हो कम, वो तो होवे करता है न्यूक्लियस में सब सटल सटल रहेगा ना, तो ये बल्ब किस दूरी पर लगेंगे अल्प दूरी पर, काफ़ी दूरी क्या देने बीच में कम डिस्टेंस होते हैं वहाँ पर एक्ट करते हैं, और दूसरा बात कहा है यह आवेश पर निर्भर नहीं करते, आवेश पर निर्भर, इसका मतलब किया इसी प्रोटॉन प्रोटॉन बीच नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन बीच भी काम करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, समझ में आया ये बात, यह आवेश पर निर्भर ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन पर ही लगेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर कहे गए हैं यह आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स ऐसा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर होते क्या है, यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो बात करेंगे
एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है, दोनों की करेंगे दूसरे का रिपेल करेगा, दूर भागेंगे दूसरे, क्योंकि दोनों कौन चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और एक पर है पॉजिटिव और दूसरे पर भी है पॉजिटिव, रिपेल करेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण, क्या कहेंगे इसको, या विकर्षण, है ना, निगेटिव निगेटिव चार्ज दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, दूर आना चाहे नज़दीक आना चाहेंगे, और इसको मान लो निगेटिव, इसको मान लो पॉजिटिव, यहाँ हो रहा है आकर्षण। आशा करते हैं भी समझ में आ गया होगा, यही बात यहाँ पर कुछ हो रहा है, बात समझ में आ गया ना। अब बताओ कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस तो साथ रहते नहीं हैं, तो फिर साथ कैसे हैं, नाभिकीय फोर्स के कारण। नाभिकीय फोर्स क्या है, सबसे शक्तिशाली बल है, ये न्यूक्लियर पर मतलब नाभिक पर काम करते हैं, नाभिक को जिसमें जो भी उसमें प्रोटॉन सबको बांध कर रखने काम करते हैं, बन जाएगा ना, ये बात हो गया। और ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में लग सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में लग सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये इतना जानकारी समझ में आया सबको है, चलो ये वाला बात हो गया, वही वाला बात जो मैंने बोला है ना लैंग्वेज, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास ले जाए तो उसमें ना तो आकर, हाँ देखो जिसमें इम्पोर्टेंट कहा गया है, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास लेकर जाए तो उसमें ना तो आकर्षण होगा और ना ही प्रतिकर्षण, क्योंकि उसमें आवेशहीन होते हैं। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पॉजिटिव है प्रतिकर्षण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना, तो दोनों में क्या होंगे, आकर्षण होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लाए हो तो उसमें अट्रैक्शन भी होंगे, अलग अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नजदीक ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रॉन में तो नहीं होगा कुछ है, कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसको, इसीलिए ना सिर्फ एक कभी कभी कह देते हैं न्यूक्लियस में पता चल सकता, सीधा सीधी कह देते हैं ना न्यूट्रॉन इग्नोर करते हुए कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ किसका चार्ज है, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इसीलिए कहते हैं नाभिक में प्लस चार्ज होते हैं, नहीं कह देते हैं कभी कभी ऐसे भी बोल के निकल जाते हैं, मतलब कि वहाँ प्रोटॉन ही उपस्थित है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, अट्रैक्ट रिपेल कब होगा, जब अपोजिट चार्ज या मतलब सेम चार्ज देंगे तभी नहीं, तभी ना होगा अट्रैक्शन रिपल्शन का काम, आ चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है तो फिर उसके नजदीक इलेक्ट्रॉन आवे प्रोटॉन में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वही क्या गया है, अब क्वेश्चन एकदम यही से पूछता है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आकर्षण होंगे प्रतिकर्षण, कुछ न होगा, कुछ नहीं, यही आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें कुछ न होता इसीलिए आता है, होगा तो जानवे करते तो बताइए देगा, अब बुझा क्वेश्चन क्या एग्जाम में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इसका ठीक से बोलना, पूछ लेना इसका, फंसा लिए, कुछ भी नहीं होगा, काहे नहीं होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज उदासीन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो एगो बिना चार्ज का चार्ज कर, ज्यादा गप करने से बात बिगड़ जाता है, अगला प्रोग्राम परमाणु का आकार कितना होता है, बहुत छोटे बहुत, डाटा बोलो वो तो समझ नहीं, डाटा कितना है एग्जाम में क्या पूछेगा, डाटा ना पूछेगा, वो तो समझने के लिए बताया बहुत छोटा, कितना डाटा, डाटा बोलो तुम बोलो कितना होता है, परमाणु का आकार किसमें नापते हैं, एंगस्ट्रम में, अपना नाभिक का, हां नाभिक का, नाभिक का उसमें, नाभिक का आकार मीटर में सर, नाभिक का आकार सर, बोले सर 10 पावर माइनस नाभिक का आकार कूलम में, हां यही तो क्वेश्चन एग्जाम में दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हां 10 पावर माइनस 15 होता है, फर्मी मीटर नहीं मीटर में, तुमने ठीक कहा लेकिन देख लेते क्या कम नहीं देखे, हमको याद था सर, तुम लोग को तो बताए थे इंडक्शन में, हाँ उसी दिन बताए थे पॉलिटेक्निक क्लास में बताए थे, अब देखो किसी का ध्यान नहीं है, हमको याद है 11th में भी पढ़ाए थे इस चीज़ को, क्योंकि जनरली डिस्कस करते हैं, तो परमाणु का आकार, और परमाणु का आकार यदि बताना होता है हमको तो परमाणु का त्रिज्या बताते हैं, बताए थे परमाणु क्या पूछेगा, आकार तो क्या बताएंगे, परमाणु का त्रिज्या, त्रिज्या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु का आकार, आकार एंगस्ट्रम में मापा जाता है, और परमाणु का आकार होता है 10^-10 मीटर, या इसी को एक एंगस्ट्रम कहते हैं, ये परमाणु का आकार हो गया, और यदि पूछेगा नाभिक का आकार तो नाभिक, नाभिक
नाभिक का आकार, इसको नापते हैं हम लोग फर्मी मीटर में या फेमटोमीटर नापा जाता है, और वो होते हैं नाभिक का आकार 10^-15 मीटर, 10^-15 मीटर, और इसी को एक फर्मी मीटर भी कहते हैं। एक बार पूछा था दोनों का अंतर कितना होता है, तो घटान दो कितना होगा, नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, मैं पूछा था, समझ में आ गया ना, बना दिया था ना, अब तो हो जाएगा ना, घटा दोनों कितना होंगे, 10^ कितने होगा दोनों, -5 होगा जी, हो जाएगा ना। तो ये दोनों में अंतर हो गया, तो वो तो कुछ पूछ सकता है। तो परमाणु का आकार होते हैं एंगस्ट्रम में मेजरमेंट करते हैं, और वो होता है 10^-10 मीटर, और नाभिक आकार मापते हैं फर्मी मीटर में। पहला क्वेश्चन, परमाणु का आकार किसे नापते हैं, एंगस्ट्रम में, नाभिक का आकार फर्मी मीटर, और इतना होता है कि एक एंगस्ट्रम एक फर्मी मीटर बराबर, समझ में आ गया ना। अब वो चीज़ डिस्कवर के हैं, ये हम लोग को फिजिक्स में लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कवर कर चुके हैं, कर दीजिए स्टूडेंट है, नया नया दस रुपये पढ़ाएंगे, चलो पढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोज के दे दे थॉमसन, प्रोटॉन को खोज किया गोल्डस्टीन, नवग्रहण किया रदरफोर्ड, हो गया ना, और न्यूट्रॉन को खोज किया जेम्स चैडविक, नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड, और परमाणु खोज किया जॉन डाल्टन, खत्म हो गया जी सर, कोई दिक्कत? सुपर ओवर का मेकअप था सर, बोल दीजिए नीट पर पग पग ना करते रहेगा अपना, समझ में आ गया ना, ज्यादा बात करने से बात खराब हो जाता है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बात करेंगे, फिजिक्स का यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, करंट केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, करंट पढ़ो इसीलिए फिजिक्स मत केमिस्ट्री मत जाओ। उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन जो इम्पोर्टेंट बात, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक जो भी इलेक्ट्रॉन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक ऊर्जा का कभी मत बुझना कि नेगेटिव है, नेगेटिव सिर्फ बताता है वो कैसा उस पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक ऊर्जा, ये माइनस छोड़ दो, इस पर ऊर्जा है लेकिन माइनस का ऊर्जा है, माइनस सिर्फ बता रहा है उस पर चार्ज के बारे में, कौन चार्ज, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कौन चार्ज होंगे, इसलिए एनर्जी माइनस में, एनर्जी एनर्जी माइनस माइनस में होता है कभी भी, यह ध्यान रखो, प्लस माइनस का सिर्फ इतना बताता है कि उस पर चार्ज क्या, कुछ नहीं उसका रोल है, इतने रोल है प्लस माइनस का, यदि प्लस का होगा तो बोलेंगे प्रोटॉन ऊर्जा, माइनस रहेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, और कोई बात नहीं है, बात समझ जाएगा ना। मैंने कहा वह इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव होगी, होना भी चाहिए, ऊर्जा नेगेटिव होना भी चाहिए, उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। फिर एक कम वाला बात बोल दिया, धरती का कुल ऊर्जा क्या है, नेगेटिव है, कहेगा ये कैसे संभव है, संभव है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस सूर्य है, क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ बना हुआ है उसके पास ऊर्जा तो है लेकिन अपने मर्जी से उछल कूद नहीं कर पाएगा, बोलेंगे सूर्य धरती को आओ, मंगल कक्षा में आएगा कभी, अब मंगल बोलेंगे यहाँ आओ, ऊर्जा है लेकिन कक्षा चेंज नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, घूमेगा, ऊर्जा तो है लेकिन ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं ऐसे चीज़ को उसका एनर्जी नेगेटिव होती है, तुम्हारे पास है तो फायदा क्या, तो खुद जगह हो, दूसरे जगह जा ही नहीं रहे हो, अपने जगह बने हुए हो, तो बने हुए चीज ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव, जैसे शेर को बांध कुछ कर पाएगा, मरमस कर ऊर्जा है उसके पास लेकिन इस्तेमाल अपने मर्जी से नहीं, हम जैसे चाहेंगे वैसे बोलेंगे तुम्हारा एनर्जी नेगेटिव है, कर भी कुछ नहीं हो रहा तुमसे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, बने हुए हैं, कहेगा ना बना हुआ नहीं है तो नहीं है तो वैसे उसमें है कहाँ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वो तो न्यूक्लियर फोर्स सब पर काम करता है, बांध कर रखा हुआ है सबको, है ना। तो मैंने बताया किसी बनी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा बोलो तुम बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ाता, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं बताओ, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड होते हैं ना, क्या होते हैं इस बारे में बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो खुला बता होना चाहिए, खुला अवस्था मैं बता, जो फ्री होता है सब, वो तो सब बुझाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री होता होगा, मतलब क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का, जो आसानी से चक्कर लगाता है कक्षा में, नहीं दो प्रकार इलेक्ट्रॉन एटम जब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं, दो प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक वहाँ जाएंगे तब, अभी सिर्फ सुनो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज्यादा बात करने से बात बिगड़ जाता चलो आगे चलो, इसी में हो जाएगा मेरा, देखो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बना हुआ नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है,
उसके लास्ट ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, और बाद में कि अलग इलेक्ट्रॉन है, कब बुझ गया होगा यो समझ में आ गया सर ठीक है ना, और वही केमिकल रिएक्शन भाग लेते हैं। हमने कहा था एटॉमिक नहीं पढ़ेगा, इसीलिए पहले करेंट अभी तक काहे रखे हुए, इसी कारण से पहले वो पढ़ाए दिए, बोले आओ ऐ पढ़ले है पहले से, बोले आओ ऐ पढ़ले है नहीं नहीं आओ, अब बुझ रहे समझ रहे हो, करंट समझ में आएगा वही जो है कि जब हम आएंगे गहराई तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि एटॉमिक ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। राहुल भैया दो दिन एब्सेंट था, क्या दिन एब्सेंट था, यूट्यूब से मैनेज कर लेता है वो, मेहनत कर लेता थोड़ा सा, एक मिनट करो, एक कॉपी रखा हुआ ऊपर लगा कॉपी, थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। हाँ, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और शांत रहो, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्ला नहीं करो, समझा पड़ी क्या चिंता करो, हल्ला नहीं करो। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, और ये देखो चौथा कैरेक्टर केमिकल बॉन्डिंग में है एक्चुअली से, हालांकि पढ़ा चुके हैं फिर भी कह देते हैं, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली में। कोई भी एलिमेंट्स है उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सोडियम का दो आठ एक, लास्ट में कितना एक, मैग्नीशियम का दो आठ, दो लास्ट में कितना है, एल्युमिनियम का तीन, सिलिकॉन चार, फास्फोरस पांच, सल्फर सोलह, क्लोरीन सत्रह, ये सब है ना, वही सब कौन इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कौन इलेक्ट्रॉन हो गया, और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मतलब एलिमेंट के, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी, संयोजी छोड़ के जितना बच गया उधर वाला क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन, जोड़ देंगे। हाँ, तो किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे लोहा का बोलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो तो परमाणु संख्या, हमने क्या पूछा इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या कहा, बोल दिया उसका परमाणु संख्या, बोलो लोहा के लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन आएगा और किस ऑर्बिट में जाएगा वो बताओ, तुम बताओ क्या सर, लोहा का जब लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुहामुही, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन और वो किस ऑर्बिट में जाएगा, ओके सर, लोहा का डी में जाएगा सर, डी में जाएगा होगा सर, इसका लास्ट में, लास्ट में जाएगा 3d6 में, 3d6 होगा, तू जाके देख लेना, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 गो, यहाँ कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो इस अनुसार हम लोग निकाल लेंगे कि लोहा में कितने क्या है उपस्थित, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और फिर वहाँ क्या डालेंगे, निकाल लेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ डिटेल में करते हैं, इंटरनल और केमिस्ट्री में, यहाँ थोड़ा जानकारी दिया, क्योंकि हम लोग करंट पढ़े मत बोलो, करंट पढ़ रहा है केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ गया ना। तो अच्छा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो कहा यहाँ पर वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है वही क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो परमाणु से बंधा है वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जो परमाणु से बंधे हुए नहीं है, जैसे सोडियम का 2-8-1 होता है, 2-8 तो बंधन लेगा बढ़िया से, एगो नहीं रहता है बंधन, वही जो बंधन नहीं है वो लेफ्ट राइट इधर उधर दरबनिया मारेगा, वही दरबर मारता है, इसीलिए कार में तार में करंट बह रहा है। मैंने क्या कहा समझ में आया, केमिस्ट्री में धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कहाँ प्रवेश कर, फिजिक्स में धीरे धीरे इंटर मारा करंट की तरह, आई करंट आया कहाँ से, करंट कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन दरबर मारता है ना उसी का तार में क्या बह रहा है, करंट, और वो कौन इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ गया ना। सोडियम के एक तत्व लेते हैं तो सोडियम के एक तत्व में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो तत्व और थोड़ा अंदर केमिस्ट्री में जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करता है वही उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही सोने लगता होगा, यदि त्याग करता है तो प्लस का ग्रहण करता है तो माइनस वही होंगे, बताएंगे आगे जाओगे। तो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा टॉपिक्स पर आते हैं, तो किसी वायर में करंट बह रहे हैं, किसी कारण करंट बहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो कौन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं रहता वही फ्री, अजय बंधन है तो वो तो फ्री मन करबे करेगा इधर उधर, समझ रहे हो ना, वही दौड़ इधर उधर करते हैं दबर मारेगा, उसी को क्या कहेंगे वायर में क्या बह रहा है, करंट। अच्छा, एक एलिमेंट में लिया सोडियम का एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है,
सोडियम का पदार्थ ले लेंगे तो असंख्य इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि सोडियम पदार्थ है वो, सोचो उसमें बहुत सारे परमाणु असंख्य होंगे, गिन ही नहीं सकते हो। अब परमाणु पता अच्छी तरीके से क्या है तो वो लोग क्या बिना अटमेट है तो कैन समाज माता कहता कनेक्ट नहीं पढ़ा रहे कनेक्ट, अरे कोई रीजन होते नहीं पढ़ाते हैं, सबका नंबर बारी बारी से आता है किस चैप्टर के बाद कौन चैप्टर लेंगे अच्छा समझ आ पाएंगे, यदि नहीं होता तो कितने चीज केमिस्ट्री डिस्कस किए, कुछ टेन लगता है अटमेट नहीं पढ़ाए होते तो कुछ पता ही नहीं लगता, इसीलिए पहले वो किसका ज्ञान दिया फिर करंट का ज्ञान देंगे, इसके बाद चलते हैं मैग्नेट पर क्योंकि इसके बिना मैग्नेट नहीं होगा, दोनों रिलेटेड है, इस बाद मैग्नेट ही पढ़ाते हैं करंट के बाद। चलो तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी के कारण वायर में करंट बहते हैं। और एक पदार्थ में एक किसी सब्सटेंस में यदि वो कंडक्टर है यदि वो चालक है असंख्य नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी असंख्य नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के यदि वो असंख्य नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन में गति करे सब मिल करके उसी के गति को विद्युत धारा कहते हैं, कि बोलेंगे वायर में करंट बह रहा है। करंट का माना मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन सुनो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा किताब लिखल होता है। अब बुझाओ इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन है क्या है नहीं है, समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, समझ में आ गया ना। अच्छा करते समझ में आ गया होगा। अच्छा चालक क्या होती है, चालक इसी को कहते हो सुचालक। जब केमिस्ट्री जाओगे केमिस्ट्री में तो थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे चालक का, चालक के बारे में हालांकि अभी क्वेश्चन में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बोलो चालक क्या होता है केमिस्ट्री के अनुसार से, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मतलब बढ़िया मतलब इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता मतलब, यानी तो जिसमें करंट पास करेगा तब केमिस्ट्री के हिसाब से। हाँ थकने वाला परिभाषा सब हुआ, याद करो तुम लोग को मैंने क्या पढ़ाया था। अब आवर्त सारणी में जो धातु है वही चालक होंगे, अधातु तो नहीं होंगे। तीन टाइप्स के एलिमेंट मिलते हैं आवर्त सारणी में, धातु अधातु और रूप धातु। आगे बताएंगे धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्याग, और धातु क्या करेगा ग्रहण, और धातु क्या करते हैं ना त्याग ना ग्रहण, क्योंकि मैट्रिक पर कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक क्लास में नहीं बताते। धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वही उसका वैलेंसी, ठीक प्रकार उसी प्रकार धातु। अब कितना कौन करेगा वो अलग बात है, अभी इतना थोड़ा होता है। अब सुनो अब क्या बता रहे हैं, चालक कंडक्टर क्या होती है, तो पक्का चालक है कंडक्टर है पक्का मेटल होगा वो, क्योंकि मेटल क्या होते हैं कंडक्टर क्यों होते हैं, और चूंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसीलिए वो क्या होंगे चालक हैं, समझ रहे हो ना। ये वायर क्या है जी कहेगा कंडक्टर ने, अरे है ना कंडक्टर तब ना पहुँच रहा है, तब क्या हो रहा है पहुँच रहा है। ये वायर कंडक्टर हो चुके हैं, ये पहले समझो ये किसका बना हुआ है धातु का, ये मान लो आप तो कवर दिया है प्लास्टिक का दिया हुआ है ना, ये जो बने हुए हैं धातु के बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं, अच्छा धातु को बनल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक वायर बना लेंगे इसका तो बोलेंगे तभी चालक है, नाम दे देंगे क्या नाम दे देंगे चालक। उल्टा चलो चालक है तो क्या होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अच्छा जितना अधिक होगा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना अधिक करंट पास करेगा, यानी कि आगा कुछ और कहेंगे इसमें। तो चालक कंडक्टर क्या हुआ इसमें एक के बार सब बात नहीं, चालक कंडक्टर में करंट बहेगा अब क्यों बहेगा बुझ गया होगा, अब किसी को पूछेंगे हम मानेंगे नहीं बहेगा तुम प्रूफ कर बहेगा काहे बात है तेरा सर कंडक्ट करंट सीधा वो कहाँ से आएगा, चूंकि धातु को बनल है और धातु इलेक्ट्रॉन दुनिया का भरल है काफी भरल है, एल्युमिनियम धातु है क्यों कुछ इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन है तीन क्या करेगा वो नहीं जानता है माना को भी जानता है धारा प्रवाहित क्या हुआ हल्लासन करो हमने करम हम करम चलते हैं सब बात अच्छा नहीं हम 20 से चले हैं, तू कोई कहो क्या 20 से चल रहे हैं नहीं सर अन्य समझ तुम्हारा काम है तू नहीं पढ़ा हम सुना करेंगे तो दूसरा चर्चा क्या करते हो यहाँ पर चालक और सुचालक हम लेते हैं तुम्हारा गारंटी, यहाँ के बाद दूसरा व्यक्ति समझ में आता है नहीं आता उसका कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, सिर्फ तुम्हारा गारंटी है समझ में आ गया ना, दूसरा कोई गारंटी नहीं है। चालक और सुचालक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों में होती है, हाँ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन असंख्य होते हैं
असंख्य होते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें लिखे हुए हैं वो कह के निकलेंगे, लिखने उखले वाला गोप नहीं होगा, नहीं होगा। सभी धातुएं एग्जाम्पल, धातु कौन है तो अच्छा चालक कौन है, धातु नहीं चालक कौन है, जितना धातु सब चालक होंगे, खुद पे खुद एग्जाम्पल निकलेगा। जितना धातु सब क्या होंगे, चालक होगा। क्या को धातु चालक होंगे, क्यों नहीं होंगे ये कहेगा शांत रहो। और धातु चालक क्यों नहीं होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए चालक नहीं होगा, धातु में है इसीलिए होगा। समझ में आएगा ना, तो सभी धातुएं वो सब क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। चलो मनुष्य का शरीर भी कंडक्टर है, आपको कहेगा नहीं है, एक बार पूछा था सुनो अब बुझा ना। अरे नहीं समझ माता कोई चीज, सब एग्जाम क्वेश्चन आया हमको पता नहीं चला कंडक्टर है कि नहीं, तो सोचो छुएंगे करंट में उसको लेकर करंट मारेगा तो है, अन्य मारेगा तो नहीं है, बात खत्म सीधा है। ट्राई ले ले, ट्राई ले लेना। अब जैसे मानव शरीर पूछा तुमने आईक्यू नहीं यूज किया होगा, सिंपल आईक्यू मानव शरीर है, छूता करंट को झटका मारता है, मारता है तो है, सीधी सी बात है। घुनिया को कहाँ मारता है, हैं घुनिया को, उसको भी मारेगा नहीं, मारता है नहीं, मारता है चप्पल पिन करके तब छूने के लिए, चप्पल खोल कर तब छूने के लिए, वैसे तो लग जाएगा पर लेकिन क्या सर चारों सुनो बताते हैं इसकी वजह क्या है। बार बार जो छूता है ना यहाँ करंट कब मारता है हमको पहले बताओ, करंट हमको कब मारेगा, जब ब्लड के संपर्क में आएगा तब। वो इतना लोहाला का शिक्षा करता है, उसका ऊपर वाला चमड़ी सब अति हो चुका है, घायल हो चुका है, मोटा हो चुका है, जिससे जिससे ब्लड और वायर कनेक्शन खत्म हो चुका है, एक तरह से प्लास्टिक कवर तरह बिहेव करता है उसका चमड़ी, इसीलिए करंट नहीं मारता उसको है। पूरा हाथ थोड़ी ना प्लास्टिक हो गया, नहीं है तो पूरा हाथ फेंक चुका है, पूरा थोड़ा तो कहीं और लगाओ, देखो उसका क्या करता है, अजमा लेना तू, अजमा लेना, मेरी विश्वास है तो बात समझ में आ गया ना, मैंने लॉजिकल कारण दिया क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, बात खत्म है। ये कवर है इसमें करंट फ्लो, हमको क्यों कवर चढ़ा हुआ है और ये कवर क्या है अभी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या इतना समझ में आया। जितना मेटल है सब क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, दुनिया का लगता है नहीं लगता हमको कि जब थोड़े कम आएगा वो चालक है, लेकिन वो चालक है हां बुनिया नहीं होगा, चालक लेना उसको, चालक हम बना देंगे, एक सेकंड बन जाएगा चालक, ऐसा जगह जी में कहेंगे आकर तब वहां पे तो लगेगा ना, वैसे भी लगेगा चप्पल करेगा तो लगेगा नहीं, थोड़ी पत्थर थोड़ी आगे हम खुद पढ़ाएंगे टॉपिक, धीरे धीरे सुनते जाओ सब चीज मिलेगा, आखिर ऐसा होते क्यों है अभी करंट पढ़ना डिटेल में। तो मनुष्य का शरीर भी क्या होते हैं, और सादा जल भी कंडक्टर है, गंदा जल सर, यहाँ गंदा लिखा अशुद्ध जल, अशुद्ध जल उसी को सादा जल कहा जाता है, सादा होता है मतलब सर जी इसका पीएच मान कितना होगा, नहीं जानते हैं दसवां क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि क्या क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि शुद्ध जल विद्युत से कुछ अलग होता है, मतलब उसे शुद्ध जल विद्युत से, शुद्ध जल से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताया डिटर्म चर्चा किए थे और मैंने क्या पढ़ा था उसको लैब करके पढ़ा था, आँखें देखे थे नहीं साइन किया था, पढ़े थे एक समय था। चलो तो इतना रखो, जब भी इम्प्योर वाटर होंगे, वाटर का फार्मूला बोलो जल्दी से, H2O उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, वाटर का H2O सिर्फ एच, और क्या होना चाहिए वो, उसके अलावा कोई आ जाएगा तो करंट उसे पास करने लगेगा, उसी को शुद्ध जल बोल देंगे तुम, बात समझ में आ गया ना, वाटर फॉर्मूला H2O है ना, उसके अलावा तेसर को आ जाएगा चाहे कुन्नो कुछ हो उसे करंट पास करेगा सीधा, उसी को शुद्ध जल तब बोल देंगे, शुद्ध नहीं अशुद्ध है क्योंकि वाटर में H2O होना चाहिए, और तुमने कोई और एलिमेंट ला दिया उसमें तो करंट पक्का पास करेगा उससे होकर, इसीलिए अशुद्ध जल हो गए और उसे करंट पास करेंगे, बात समझ में आ गया। और इसी से क्वेश्चन बोलो तू कहेगा क्या सर, सबसे शुद्ध जल कौन होता है, सबसे शुद्ध जल, हाँ ऑप्शन सुनो, हाँ सर दीजिए, ऑप्शन देने वाला चापाकल का पानी, नदी का पानी, झील का पानी, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी क्यों, हाँ क्योंकि सर मतलब बादल से आता है, पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना सर, समझ में आ गया ना, कोनो शुद्ध जल नहीं है, सबसे शुद्ध जल है वर्षा का पानी, वह कब बारिश पड़ते हुए एक डेढ़ घंटा बीत जाए तब,
थोड़ा अंदर जा करके तो एग्जाम कभी आ सकता है। वैसे बर्थडे लगा टिक लगा देना मैं टिक, इस सब में उतना नहीं दिमाग लगाएगा, अंदर वाला बता रहे बताने बात हम। सबसे शुद्ध जल होते हैं रेन वाटर, वर्षा का पानी, उससे शुद्ध कोनो जल नहीं, वो प्योर वाटर है, समझ में आ गया ना। अब बाकी सब क्या है, अशुद्ध जल है। जब कभी क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आएगा ऑप्शन कैसे रहेंगे वही मैंने कहा दिया सर। सबसे शुद्ध जल क्या होते हैं, तो वर्षा का जल, अब बात खत्म है। और वो भी हाफ एन आवर के बाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुमको पता है कि इन्वायरमेंट बहुत सारी गैसें हैं, है ना, बहुत सारा गैस इससे निकल रहा है, फ्रिज से निकल रहा है, मोटरसाइकिल से निकल रहा है, झरना जलाते हो, काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं। तो बारिश पड़ेगा तो एक डेढ़ घंटा तक क्या होते हैं, उस केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ाएंगे, एक्सीडेंट सब ये सब घटना कुछ होती है, तो वो सब गैस क्या होती है, हाफ एन आवर डेढ़ घंटा दो घंटा तक में पानी के साथ तो धरती चला जाएगा, आ गया धरती पर। अब जो बारिश पड़ेगा उसमें कुछ होने रहेगा, वो प्योर वाटर होंगे। इसीलिए याद करो, फर्स्ट बारिश जब हो किसी सीजन का या सेकेंड बारिश, कभी मत स्नान करो, जल्दी करेगा तो वही होगा, तो वो गैस मिक्सचर हो सकते हैं, बहुत हानिकारक गैस होंगे उस बारिश में अब्जर्व किए हुए, और फुसरी छोड़ाएगा नहीं, उल्टे दिलाएगा, कारण बुझा। अब कब लाओगे, दो तीन हो जाए उसके बाद ही, क्योंकि गैस सब चले आएंगे धरती पर, बात समझ जाएगा ना। अब पहले समय ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो इतना पॉल्यूशन था ही नहीं, इसीलिए प्योर वाटर था, आज वो भी क्या हो चुके हैं, इम्प्योर। आप फिर भी चाहते हो प्योर, तो मैंने बता दिया कब प्योर होंगे, आगा चलो। जब अब जैसे पूछेगा सर्वोत्तम चालक, तू बहुत खुश लग रहा है समय आगा तब ना कहेंगे, तू कभी कह दीजिए थोड़े कहेंगे, समय आगा तभी कहेंगे, उससे पहले नहीं कहते हैं, ध्यान रखो, नहीं तो जो बताने का उसमें होने पर दूसरा बता देंगे। अब एग्जाम में ये तो चालक समझ गए हो, अब पूछेगा कौन अधिक चालक है और कौन कम है, ये आते हैं। तो सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक है चांदी, और उसके बाद है तांबा। चांदी सबसे क्या है, सर्वोत्तम चालक, और इसीलिए उसका उपयोग सोलर प्लेट में किया जाता है, चांदी का, इसी कारण से चांदी का इतना अधिक हाई कंडक्टर चांदी है, इतना अधिक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि उसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोलर, और वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं समझ माया, सोलर प्लेट में तो लोहा का भी वायर लगा सकते थे ना, आखिर क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो सर्वोत्तम चालक नहीं है, वहाँ हमको सोलर एनर्जी बदलना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलना है, हालांकि डायरेक्ट नहीं बदलते हैं, वो भी नहीं पढ़ना है, ट्वेल्थ पढ़ोगे कैसे कैसे क्या होती है, मोटा मोटी बता रहे हैं, यही होता है फर्स्ट और लास्ट, यही फर्स्ट डाट हम चले हैं सोलर एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी में तभी चार्ज होता है ना, तो वहाँ यूज किया जाता है इसीलिए चांदी, क्योंकि वो सर्वोत्तम चालक है। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत सर? एगो चीज दिक्कत है, हाँ एगो, मतलब बहुत पहले क्वेश्चन, सिलिकॉन को फिर क्यों लगाते हैं सोलर पे, सिलिकॉन भी लगा, जवाब मैंने पहले कह दिया, कहाँ पढ़ेगा, ट्वेल्थ दसवों में था सर, पूछने पूछे थे आपसे सर एक बार, तो आप बताए, तो वही है इसके, अभी तुमको सिर्फ यूज करना यहाँ करते हैं डिटेल, देन ट्वेल्थ में करोगे, और अलेवेंथ केमिस्ट्री में भी है थोड़ा दो बार, हाँ तो वहाँ एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप कंडक्टर, तुम पता ही होगा क्या होगा, पूरा पूरी तीन चार पेज का है पढ़ाते कंडक्टर ट्रांजिस्टर सब, तो वहाँ दूल्हे लेन में चार पेज का दुल्हन कैसे बोलेंगे, अब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देख लेन में हम कैसे कहेंगे, हम तुमको की बताएंगे, बोलो कुछ बता सकते हैं, जैसे कहेगा गूगल बाबा कर लो, यूट्यूब कर लो, जी सर जाओ सब लाइव, सीधा सीधी बात है, मैंने पहले कभी कहाँ टॉपिक लिए, ट्वेल्व का टॉपिक वहाँ पढ़ोगे, हमारा काम कितना, इसलिए मैंने इतना सीधा यूज कर, तुमको इतना पढ़ना सिर्फ यूज किया जाता है, बात खत्म है, क्यों कैसे नहीं जानना है, बात खत्म है, सीधी सी बात, कोर्स जो रहेगा वही पढ़ाएंगे। अच्छा सर्वोत्तम चालक कौन है, सिल्वर, उसके बाद कौन है, कॉपर है या तांबा, उसी को। सबसे आघात वर्धिने धातु, कितना गर्म सोना से कितना लंबा वायर खींच जाएगा, बोलो, दो किलोमीटर, दो किलोमीटर तक, पाँच किलो खींचेगा, किलोग्राम में कितना, दो किलोमीटर। एक होती है, सुनो पहले एक टेक्निकल टर्म समझाते हैं, डक्टिलिटी, और एक होता है अभी कई टेक्निकल टर्म, मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी, और एक होती है एलास्टिसिटी, बता सकते हैं कोई सब मंत्र क्या है, क्या हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, बताओ, अच्छा पहले हिंदी बता दीजिए सर, तीनों का हिंदी, अब इसका होता है तन्यता, हाँ बता देंगे, एलास्टिसिटी का इसका याद नहीं है, इसका होता है आघात वर्धिता, तन्यता में जो है सर उसमें मतलब पीट पीट कर एक तार बनाया जाता है, लेकिन आघात वर्धिता में जो है
चादर बनाया था, चादर बना थे फिगर भी दिखाया, याद है? चलो तो डक्टिलिटी तनेता मतलब तन दो नमरा दो, अब बुझा डक्टिलिटी मतलब अरे नाम डक्टिलिटी तन्यता तन देना है नमरा यानी कि वायर बनाएंगे बन जाएगा ना। और ये डक्टिलिटी मतलब हो गया, डक्टिलिटी मतलब हो गया हाँ सर, दिक्कत तन्यता। और मेरिट्रिक मतलब आघात व निरता, देखो ना आघात व निरता मतलब आघात करेंगे कुछ ना फर्क पड़ेगा ना मर जाएगा, आघात व निरता मतलब ये होगा उस पर प्रेशर लोड मारने के बाद वो क्या होंगे फैल जाएंगे, समझ में आ गया ना। जैसे पतले पतले सिर में कवर कर देंगे तो वो हो गया मेलिएबिलिटी, जैसे बोलेंगे टीना है जैसे वो मेलिएबल गुण उसमें है क्योंकि उसका पतला पतला क्या कर सकते हो चादर बना सकते हो, सिर्फ मेलिएबल प्रॉपर्टी हो गया है, समझ में आ गया ना। डक्टिलिटी मतलब समझ गया, इलास्टिसिटी अभी नहीं समझना है तब ये बताएंगे फिजिक्स में पढ़ाएंगे तब पढ़ना टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रिसिटी तब अटैक करेंगे, तीन टर्म है अभी ये दोनों समझ में आ गया, डक्टिलिटी समझ में आ गया, डक्टिलिटी में वायर बनाएंगे अब मेलिएबिलिटी और सोना में दोनों गुण है सोने में है ये सब देखते हो, थोड़ा सा पतला रहेगा ना थोड़ा सा ही सोना रहेगा ना लोहार पीट पीट की जरूरत ना देता है उसको, याद करो मतलब सोनार करता है ना जी, आखिर मेलेबल गुण है तबे ना कनियोग रहेगा और नमरा जाएगा उसको आधी से पहले जाएगा कट जाएगा। अब तुम वायरो बना सकता है ये तुमने से भरवा लिए पहले, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसीलिए पहले पूछा क्वेश्चन तुमसे हाँ भरवा लिए पहले, समझ में आ गया ना। यानी कि सोना में कौन गुण है डक्टिलिटी और समझ गए ना। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, सबसे अधिक इससे अधिक कोनो नहीं है, और इसी कारण से भी कई खास प्रॉपर्टी होते हैं इसमें, और इसी कारण इसका यूज कहाँ किया जाते हैं जेवर बनाने सैटेलाइट लॉन्चिंग में, कभी बताए थे क्या? बताए थे वहाँ देखना सैटेलाइट में करता है ना पियरका पियरका देखेगा पन्नी टाइप का, अरे सोना है चलो ना बीच कलाएगा एगो पतंग बनाओ लटक जाएगी उसी में चलो मंगल ग्रह पर, वहाँ विमान का क्या टुका होगा डस्ट पार्टिकल होंगे कचरा होगा और ले आएंगे विदुर को दे देंगे हमें तो वही चाहते हैं पढ़ने कैसे आएगा कहेंगे बोले कहेंगे नहीं है बढ़िया सुन अल्लाह उसको हम प्यूरीफाई कर देते हैं कहेंगे साफ सवाल हम क्या कर लो अम्रराज ने उसको क्या करेंगे घुला देंगे कहेंगे डुप्लीकेट था जाओ जाओ पानी फेंक देते हैं पानी रख करके फिर सुना उसे निकाल लेंगे कोई दिक्कत अम्रराज समझ में आएगा ना। चलो आगे समझाएंगे आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन सर्वोत्तम चालक कौन है सिल्वर, देखो वैसे सोना होता है लेकिन हम आंसर में क्या मारेंगे क्योंकि सोना काफी महंगा है उसका यूज लोग द्वारा तुरंत सोलर प्लेटों को तोड़ लेगा समझ रहे हो ना है सोना लेकिन सोना मारना क्योंकि वो काफी कॉस्टली है। सोना कॉस्टली क्यों है बहुत कम जगह पाए जाते हैं और उसका यूज भी काफी है, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करता इसीलिए ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं वो, और जो नहीं होंगे यानी कि जैसा पीले टाइप है तो उसने दिखाई देगा उसी प्रकार से है, तो यही सब कारण है। अब पता कभी टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे, उस गोल्ड पर डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया ना, सर्वाधिक आघात वर्धन धातु सोना हो गया, सर्वाधिक तन्यता वाला धातु भी सोने है, सर्वाधिक लंबे तार बन सकता है ये भी कह दिया है, दो को बात बुझा दोनों बात समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। और सबसे कम घनत्व वाला धातु लिथियम है, मतलब लिथियम धातु ही है हल्का होता है सबसे, और सबसे डेंसिटी किस कम है, और डेंसिटी कम तो वेट भी क्या होंगे कम ही होंगे, सीधी सी बात है अच्छा से समझ में डेंसिटी पता होगा बढ़िया से है समझना क्या ना। देखो कैसे लिंक हो रहा है, किसको आएगा पढ़ने में रेगुलर पढ़ा है वही ना, एक कोई दिन छोड़ा तो चौपट हो जाएगा देख रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है डेंसिटी कुछ होता होगा ठीक है। तू बताओ ये पेन है ना इसमें और ये पेन में और कौन ले शांत रहो, ये कॉपी दिख रहा है ये थिन दिख रहा है पूरा ये
इसमें इसमें किसका डेंसिटी ज्यादा है? कैसे? क्योंकि बहुत घुंजा है ना डेंसिटी को, मतलब समझो यदि कोई मटेरियल है उसका कंपेरिजन करना किसका डेंसिटी दिखोगा? क्या बोले, कोई मटेरियल दुग ले लो, एक मटेरियल ले, नहीं पता है किसका डेंसिटी किसका कम होगा, किसका डेंसिटी क्या होंगे, कुछ नहीं है। एक सेंटीमीटर क्यूब लो इस मटेरियल का, एक सेंटीमीटर क्यूब किस मटेरियल के लो, एक सेंटीमीटर क्यूब मतलब समझा, एक सेंटीमीटर लंबा, एक सेंटीमीटर चौड़ा, एक सेंटीमीटर क्यूब काटो और दोनों का तर्ज पर क्या करो, और जो देखो नीचा की डेंसिटी ज़्यादा, इससे अधिक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है समझाने का डेंसिटी को। सिंपलेक्स में मैंने बताया आप चूंकि दोनों का कैसा वैल्यूम लिया, यूनिट वैल्यूम, अब डिफरेंस दोनों कहाँ से आता है, दो मटेरियल है किसका डेंसिटी अधिक है, तो बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में जिसका वेट अधिक उसका डेंसिटी ज़्यादा, और डिफिनेशन यहीं से आया इधर से। दोनों का वैल्यूम कैसा ले लिया हमने, यूनिट मीटर में लेना है मीटर में लो, फीट लेना है फीट में लो, और सेंटीमीटर लेना किस में ले लो, सेंटीमीटर में। तो यूनिट वॉल्यूम में जिस मटेरियल का वेट ज़्यादा होंगे उसका डेंसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। समझ में आ गया ना, ये तरीका मैंने समझने का प्रयास किया, डेंसिटी को वॉल्यूम सेम रखा और इस प्रकार से कम किया। तो सबसे कम डेंसिटी वाला धातु लिथियम हो गया, अधिक पूछेगा तो ऑस्मियम या यूरेनियम हो सकता है। यूरेनियम कैसे होगा, कहाँ पर है यूरेनियम, तुम यूरेनियम महंगा नहीं है सर, मैंने यहाँ पर क्या डिस्क बोला डेंसिटी का बात, तो यूरेनियम कहाँ से ला गया इसमें, यहाँ भारी और हल्का का बात है, मतलब डेंसिटी की बात है। अब चूंकि देखो सबसे कम घनत्व तो किसका है, लिथियम का, तो भार भी इसका क्या होंगे, अब बोझ गया, अगर इधर दोनों दूसरे रिलेशन है, घनत्व बराबर द्रव्यमान क्या होता है, आयतन, आयतन होता है ना। हाँ सर, चलो ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व तो किसका होगा, ऑस्मियम का, इसीलिए सबसे भारी भी क्या होंगे, आँखों उड़ते हैं लोग, पते नहीं क्यों है भारी, नहीं मानेंगे, मांगो भी था, हैं मांगो भी है, कहाँ मिलता है देखे वो मार्केट, सोना से महंगा ऑस्मियम है ना, सोना कुछ होता होगा कहीं पर, हमको इतने का यूज है कि ये सबसे भारी धातु होते हैं, एग्जाम आएगा ठीक लगाएंगे, दूसरा यूज कोलो नहीं है, समझ में आ गया ना। और कुछ मेटल्स हैं हालांकि मैं ठीक पढ़ाते हैं जो कमरे के ताप पर पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, और वो सीजियम, वो है मरकरी है, सीजियम है, गैलियम है, मरकरी सीजियम गैलियम, ये वो धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मेटल है। और तूने पढ़ा है अपवाद दिए हैं केमिस्ट्री क्या हो चुके हैं, अच्छा मेटल पढ़े हो, अभी तक मेटल ये पढ़े हैं, मेटल वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन, अधिक फोर्स पावरफुल लगते हैं, एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, और वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और चूंकि मरकरी तो द्रव अवस्था में, बुखार लेने में किसका यूज किया जाता है, वो जो ट्यूब है मरकरी का यूज किया जाता है ना, वो देखो रूम टेम्परेचर पर है, फिर भी किस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में, लाइव एग्जांपल, इसीलिए चूंकि मेटल भी है और रूम टेम्परेचर भी है, ऐसा नहीं है कि वो जमते नहीं, जमते भी हैं, जमेंगे भी, टेम्परेचर लो कर देंगे क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, अरे कुछ हो जम सकता, टेम्परेचर कम करने पर अणु और परमाणु का कंपन भी बंद हो जाते हैं, उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को ई बोल जरूर बोलेगा जी, तो परवे तुम बोलो, खाली क्वेश्चन को क्या कहे थे, इतना को समझ जाएंगे तू क्लास में हो, हम सर हाँ अभी क्वेश्चन क्या पूछे इससे हम नहीं पता होगा सर, बोले सर हाँ बोलो, परम शून्य तापमान पर, परम शून्यता, और वो कितना है, माइनस 273.15 15 डिग्री सेल्सियस, अब फारेनहाइट में तू कहेगा, फारेनहाइट में याद नहीं होगा सर, कितना है, -459 है, चलो ठीक है। तो ये परम शून्य ताप है, और इस तापमान मॉलिक्यूल कंपन भी क्या होता है, रुक जाता है, तो मरकरी कहाँ है, वो भी जम जाएगा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। तो वो तीन मेटल है, मरकरी है, सीजियम गैलियम है, जो कि रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है, 35 -5 रखो, उस स्टेट पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। अच्छा अब पढ़ते हैं, सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वह धातु
वो तो धातु तुमने पढ़ा है कि कमरे समान जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम का वहाँ पर मरकरी सीजियम गैलियम ये सब मेटल है और पाए लिक्विड स्टेट में, और यदि नॉन मेटल पूछे तब ब्रोमीन तो वो हो जाएगा ब्रोमीन 35। तो सामान्य कमरे के तापमान नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला नॉन मेटल वो ब्रोमीन होते हैं और वो मरकरी हो गया 35 इसका है। अब पढ़ते हैं कुचालक के बारे में, ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेस तैयार कर रहे हैं कौन चीज़ पढ़ने का करेंट के लिए करेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। हाँ अभी बेस तैयार ईद कर रहे हैं अभी भगता भगत पढ़ने के करता है पहले खूब इधर उधर व्यवस्था कर लेते अत्ता उसके बाद झूमना शुरू करेगा अत्ता पता नहीं चलेगा की कह रहा है वही समझेगा जो शुरू से था मतलब बुझ गया होगा इसीलिए जरूरी है पढ़ने तो आगे पता नहीं चलेगा। जैसे केमिस्ट्री में कितने बात सबसे बेस्ट सुचालक में सोना और चांदी दोनों दे दिया जाएगा तो ऐसा कभी संभव ही नहीं तब सोना ठीक लेंगे वहाँ पर लेकिन देगा नहीं कभी वो क्योंकि सर्वोत्तम चालक सोना अति चांदी को ही कहा क्योंकि जैसे उसी का होता है और एग्जामिनर उसी को पूछता जिसका जैसे यूज यो बात है वो बेवकूफ़ी होगा सोना देगा वो देगा तभी नहीं देगा ही नहीं ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हम कहीं देखे हैं दोनों एक के साथ इसलिए हमारे मन में ऑप्शन में सी होगा एयर भी दोनों ई भी बात देख लेना वहां पर तब ठीक समझ गए समझ में आया ना क्वेश्चन खोज के लाएंगे हम हीरा से करंट प्रेस पास करता है नहीं हीरा से सर हां हीरा से फंस गया सर वो फंस गया छात्र हो रूप लगा हम मैट्रिक में पढ़ाए हैं और तभी कोई क्वेश्चन फेंक देंगे तुम बोलो नहीं करेगा नहीं करेगा वो धातु है तो कैसे पास करेगा। देखो तुमको इतना पूछे हैं कि भूल से भी सही जवाब दिया लेकिन तुमको पता नहीं था ठीक है कहे हैं इससे पूछवाते हैं 10 बार पूछेंगे तुमसे हीरा से करंट पास नहीं करेगा एग्जाम में सोचेगा हीरा है इसे तो करना चाहिए लेकिन करता नहीं है और केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे हीरा के अपरूप क्या होते हैं ग्रेफाइट से करंट पास करते हैं क्यों क्यों उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड होते हैं तीन लेयर के ऊपर एक लेयर फिसलन करते हैं इसीलिए एक लेयर फ्री होते हैं उसे करंट पास करते हैं केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे समझ में आ गया ना। इंसुलेटर कुचालक तो पक्का है कुचालक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उन्हें है तो करंट पास धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन भी दूर से धारा प्रवाहित इसमें कितना करोड़ होगा फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत बोलेगा अरबों की संख्या में उसमें तो अरब था इसमें कितना होगा लाख या हजार शांत रहो मैंने पूछा कुचाला कैसे करंट पास करेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे नहीं से जीरो होगा क्यों जीरो होगा इतना लेट कह लिया बोलने में अरे कुचालक है करंट नहीं पास करंट कब पास करता है अब तो भूल गया होगा अब तक में करंट किसी वायर से करंट कब पास करेगा करेगा बोलो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो बढ़िया समझ में आ गया ना। अच्छा सूचना कब पहुंचता है जब सूचना पहुंचने वाला हो और वो मेटल में इसे करंट पास करता है आयरन मेटल सूचना पहुंचने वाला है इन्हें करंट कैसे पास करेगा सोचो और सूचना पहुंचने का इलेक्ट्रॉन करता है हमको झटका लगा यानी कि सूचना पहुंचा रही इलेक्ट्रॉन भागो यहाँ से हमारे रास्ते में ट्रेन आ रहा है भागिए यहाँ से फील्ड खाली करिए कहेगा नहीं नहीं हम रहेंगे लेकर चल जाएगा साथ में कहकर तुम भी आओ हम भी रहेंगे धारा प्रवाहित नहीं होती है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। अगला क्वेश्चन के तैयार रहो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दसवां में जितना पढ़ाए हैं सारा रिवीजन कर लो अच्छे से समझ में आएगा यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे बना हुआ है करंट कलेक्शन जूल्स लॉ है। अब क्या करेंगे नहीं है तो अभी चालू है ना अच्छा चालू है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जीरो होंगे यानी कि जितना किसका एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल है और ये बहुत अच्छे से क्लियर तब होंगे जब पढ़ाएंगे आवर्त सारणी संभावना है कल से आवर्त सारणी पढ़ाएंगे इंटरवल तुम लोग कभी नौता है घर जाना नहीं आएगा तो क्या मानेंगे तुमने आवर्त सारणी जी पी पढ़ने के लिए कहे ना आया हमने कह दिया है वहाँ तुमको जैसे अभी कितने चीज कहे हैं केमिस्ट्री का अनुमान लगाए हो पता कितने चीज किए हैं
और ऐसे चलेगा डीपी में पोलिटिकल इंटरेस्ट में आधा घंटा में खत्म टॉपिक पूरा अनुक्रम सीक्वेंस तोड़ देबो आधा घंटा में पूरा खत्म बेस बन तोरा ले बेस में बोलबे रहा सर जी बेस बना देते वहां पर भले तू बात ना फोन है लेकिन बेस बना टेक्निकल टर्म्स बाकी हो जाता होता क्या ये आप फिर उस पर क्वेश्चन करते अब तूने आए हो तो हमने माना तूने पढ़ लिया कोई दिक्कत जी सर मैं लिया पढ़ लिया चलिए समझ में आ गया ना ये तो पढ़ा एक बार चलो खैर टिक जाएगा लेकिन तूने टिक पाओगे तो इंटरव्यू नहीं पढ़े ठीक से पढ़े हैं सर अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बता इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन नाम कह दो खाली इतने नाम का देखा था हम बुझे तुमको पक्का आता है तू नाम तो खाली कह दो यो नहीं तुम याद होगा लिखवा लो हमसे नाम याद है पक्का को नाम याद है पूछो नाम कुछ नहीं याद है तो तू बता तो कॉन्टैक्ट नंबर की याद नहीं है लेकिन पूछेगा तो बता देंगे जो भी याद हाँ पूछे पूछे हाँ पूछे सर बोलो हाँ मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट नंबर किस चीज का जानकारी देता है हिंदी मतलब मैग्नेटिक हाँ तू तो याद कर लिया है हमको हिंदी में नाम नहीं याद है बता सकते हो इन्हें है याद है मैग्नेटिक का हिंदी में मैग्नेटिक है तो चुंबकीय चुंबकीय क्या चीज जानकारी क्या बता क्या सीखे हो इससे कुछ भी याद नहीं है 500 टका लेकर भागा था इसको पकड़ो चलो आगे जाकर पढ़ते अब हमको याद आ गया इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है वो उसके एरिया के बारे में बता दे जिस परमाणु में रहते हैं परमाणु के अंदर कहाँ रहते हैं एग्जैक्ट मैग्नेटिक कॉन्टर में क्या कहता हूँ वो जवाब चाहिए उन्हें चाहिए हमको एग्जैक्ट ही बताता क्या वो पॉइंट चाहिए हमको जो पॉइंट मैंने लिखा था क्या बताता मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है वो तो सब कॉन्टर में वही बताता है सब क्वांटम नंबर वही का इलेक्ट्रॉन रहता है सर यही बारे में बताता है ऑर्बिटल में होता है सर ऑर्बिटल ऑर्बिटल में होता है परमाणु में परमाणु के अंदर रहते हैं सब में ऑर्बिटल है चलो फिर से रिवीजन करना एक बार ना है याद अरे एक पॉइंट करें होते चलो तो अभी कुछ अलग समझते हैं हम लोग वो अलग टॉपिक्स हो गया इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जीरो ऑप्शन में होते हैं कुछ अलग फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनंत असंख्य कहाँ ले सकता है जीरो तो कौन टिक मारेगा जीरो अब मन तो नहीं करेगा लेकिन जीरो आंसर ही होते हैं उसके बाद यहाँ लिखा भी है उस चीज को जैसे देखो हीरा भी लिखा यहाँ पर है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में तू जाके देखो ना मैंने सेट देखा इसीलिए उसे कह रहे हैं हम कोई भी एग्जाम एनी बॉडी कोई एग्जाम देगा सब क्वेश्चन डलेगा यही क्वेश्चन डायरेक्ट है सर डायरेक्ट है फाड़ के दे दे यहाँ से चलो डायरेक्ट है तो ग्यारह मार देते हैं अब ये भी इम्पोर्टेंट है सूखी लकड़ी लोग को तुम लोग को तो मैं ठीक में पढ़ाए थे बात हम कौन सी नहीं पढ़ाए थे मनुष्य का शरीर और यो कहे थे बोलो कि मनुष्य का प्रतिरोध कितने ओम होता है 30,000 को गलत किए थे सर गलत कर दिया था नवीन सर 30,000 मैंने 50 बोला था ना यस सर इसलिए वही रटो मिस्टेक से कह दिया होगा कोने किताब जब एनसीईआरटी कर देता है गलती आज भी पकड़े थे उसमें लिखा है ना अरे शांत रहो सेक्शन फार्मूला में केन उपाध्य करते हैं तो के एक्स टू प्लस वन होता है देखो किताब में प्लस नहीं दे उल्टा दिखाए थे तुम लोग को भी देखो प्लस नहीं दिलोगा वहाँ पर प्लस छोड़ा है और माइनस छोड़ा है फिर अगर चलो सूखी लकड़ी प्लास्टिक सूखी लकड़ी आज ये खत्म होगा और कल से क्या करेंगे करंट को चालू करेंगे आज बेसिक था पूरा सूखी लकड़ी एक घंटा होने वाला है प्लास्टिक रबर एक क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिसिटी पर लोहा सुनो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे लिए क्वेश्चन है लोहा और रबर में ज्यादा इलास्टिक कौन है कारण सहित इलास्टिक होता क्या लकड़ी कारण सहित रबर बोल दिए ना कारण नहीं जानते देखा तुमने बोलना भी पढ़ाए शांत रहो सूखी लकड़ी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसीलिए मैंने पूछा है याद है बता दिया जो वो कहेगा वही तभी से खूब बोल लेते पूछे ना उससे जा करके सूखी लकड़ी प्लास्टिक रबर उसके बाद हीरा अंदाजे ठोक दिए थे तुम क्लास में ये तो बताए थे हम क्लास में तो फिर सॉल्व काहे नहीं किया
और उसके बाद एग्जाम हुआ था, मतलब हमले पढ़ाने से पहले एग्जाम हो गया था। ओ इसीलिए आप तो जानता है ना, हीरा और शुद्ध जल, देखो शुद्ध जल कुछ अलग माया है, ध्यान देना है यहाँ पर। शुद्ध जल, शुद्ध जल से होगा करंट पास तास नहीं करेगा, होता है करंट पास नहीं, और शुद्ध जल होगा तभी क्या होंगे, करंट पास करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, लैब कर सकते हो देख करके, और टेंथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, वहाँ हीरा अध्ययन करेंगे, मेरे सिलेबस का अभी बाहर है ना, इस अकेडमी को कमीशन ने पूछते हैं अभी इतना जान लो, सिर्फ शुद्ध जल विद्युत क्या होते हैं, सुचालक की कुचालक, उससे करंट पास नहीं करेगा, जदि करता वर्षा पड़ रहा है बगल से अगर बोल जा रहा है एक लगा दूर बैठे हमको झटका मार देने, कुछ हो ही नहीं रहा, हमने पानी भाग दिया हुआ है और करंट पानी के संपर्क में फिर भी करंट मार नहीं रहा है, इससे सीख लिया शुद्ध जल विद्युत क्या होते हैं, उससे करंट पास नहीं है, एग्जाम्पल भी समझा दिए, समझ में आ गया ना, एक एग्जाम्पल देना। हालत खराब है, कल से मास्क लगाएगा नहीं तो इंटीन नहीं मारने देंगे, सर्दी सबको फैलाएगा नहीं, अरे कोरोना सर्दी तो होगा ना, सर्दी इसी कारण से होते हैं, हमको लगा सब ठीक ठाक है रखे हुए मास्क, लेकिन घबरा रहा है। शांत रहो, सुनो अभी मैंने बताया कि अशुद्ध जल विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कभी लैब करना होगा, लैब कभी क्या होगा, एग्जाम्पल देंगे बाद में, किसी आदमी क्या लगाना होगा, झटका लगाना होगा, झटका लगाना है, पानी में कचरा डाल देना उसमें, अरे एक मुट्ठी नमक को डाल, नमक के डालना तो उसी से भी हो जाएगा, नमक डाल दो और यहाँ तैर छूना करना थोड़ा इधर आइए तो गंदा पानी छिड़े देना, कहें देखना तू रहना चप्पल पर मारे का झटका, कहेंगे हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, ये चमत्कार है मेरा जादू कर, क्या कर रहे हैं जादू करना टका क्लास के बाद, ये कोई और एग्जाम्पल कहेंगे अभी नहीं कर सकते हैं, क्या सुजल से होकर करंट पास करेंगे, क्या हीरा से करेगा, कारण नहीं कहेंगे, कारण कहाँ कहेंगे, दसवा में, सबका समय और जगह क्या है, उस चीज को ही पढ़ाए जाते हैं, जहाँ जिसका जरूरी है वहीं देंगे, और प्लास्टिक लकड़ी सूखा लकड़ी नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, बगल में क्यों लिखल है, अति तक लकड़ी कहेगा तब क्यों, पानी कहाँ से आ जाएगा, और चूंकि पानी प्योर वाटर है ही नहीं, इम्प्योर करंट पास करना शुरू, इलेक्ट्रॉन देने वाला तैयार हो जाएगा आदमी, हैं कहाँ तक लेवल जा रहे हैं, पढ़े हुए व्यक्ति भी पता कर सकते हैं चीज को, क्या जो पढ़ा हुआ उसको क्या लगेगा, हो कुछ थोड़े ऐसे सब बताते हैं उसको तो आसानी बुझा पड़ता होगा, समझ में आ गया ना। अच्छा अब बात करते हैं रचाला के बारे में, अब बोलो क्या कहना है, समय आएगा तब ना, अभी में लिविर लिविर करना शुरू कर देगा, अब ना रचाला काया है, सेमीकंडक्टर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम मात्रा में होती है, लेकिन किस मात्रा में होंगी, कम मात्रा में होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे आज क्या तारीख है, आज तारीख कितना है, क्या हुआ, इसके लिए सेटर बंद, सेटर गिराए दे कल से, तो बोलो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबने दिया ने कम होती है, सबने सर झूठी वादा करता है, आराम दो दिन आराम करेंगे, छुट्टी दे देंगे, दो दिन टेस्ट लेंगे, और कोई दिक्कत, विरोध करे छापू, सुनो अर्ध चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी अधिक है, चालक में इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी अधिक है, और कुचालक में नहीं अब बिचला हो गया अर्धचालक, जिसमें कम सम होगा, इसमें क्या होंगे, कम सम होंगे, तो उसमें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन काफी क्या होते हैं, हाँ जो उपधातु इसके जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और धातु जो भी है, केमिस्ट्री मैंने कहा एक्चुअली में किसका टॉपिक ये है, केमिस्ट्री में चूंकि करंट पर है, जितना यूज होते पढ़ा दिया है मैंने, केमिस्ट्री डिटेल अध्ययन करेंगे, समझ में आ गया ना, तो ये जानकारी दे किसके बारे में, करंट का ये बेसिक था, पढ़ सकते हो थोड़ा और, नहीं नहीं थोड़ा बता देते हैं करंट कैसे पास करता है, वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी, पेज लगा हुआ है ना, इसी में चलो घस देते हैं, अरे इतने मुझे ढेरी बात कह देंगे कि वो थोड़ा खत्म हो गया, तब ये थोड़ा छोड़ो कर शुरू से पढ़ेंगे, सही बोल रहा है, इसका मन आगे पढ़ने का है, चलो इसका मन आए तोरा माना कि तुम्हारा मन है, नहीं है तो मन लिया, और उसमें क्या है, तुम्हारा मन है, करंट किधर की तरफ पास करता है,
किधर करंट पास करता है, क्या करेगा बता सकते हो? करंट कैसे किधर किधर पास करेगा, क्या करंट की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा बताया, याद है दसवां में किधर किधर होती है बताओ, याद है कुछ तुमको? याद है माइनस प्लस दो तरफ सर बोलते, प्लस से माइनस, लेकिन दो कंडीशन आप बताए दो आप सर, प्लस से माइनस बोले थे, लेकिन जो जाता है रियलिटी में माइनस से प्लस जाता है, लेकिन उसमें दिया प्लस से माइनस जाता है। चलो ठीक है, दो बताए थे चलो कुछ तो याद है। अब समझते हैं, एक वायर लेते हैं, कौन कॉपर ले लेते हैं मान लो, या कोई भी वायर ले लो, तो कोई भी वायर लेंगे, छोटा सा वायर ले लो समझने के लिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? अनंत। अनंत खराब बात है, असंख्य बोलो, अनंत मतलब कुछ नहीं, नथिंग। क्या अनंत? कुछ होता ही नहीं, अनंत खाली अनंत है। क्या अनंत? कुछ होना अनंत, असंख्य बोल सकते हो, मतलब गिना नहीं जा सकता है, बहुत ऐसे बोलो, वर्ड पर थोड़ा सा क्या करो, कंट्रोल करो। तो एक वायर लेते हैं, उसमें मान लेते हैं, मान लो कॉपर एक एल्युमिनियम जो वायर लेना, एनी बड़ी कोई वायर ले लो, उसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी अधिक होंगे। तो एक वायर ले लेते हैं, ये एक वायर है, और ऐसे करके दिखाते हो ना, वो है उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हो, एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन नेंटेक वाला दिखाने भी नहीं आता है, वो ऐसे दिखाता है क्रॉस सेक्शन, देखो दिखाते हैं, अब जगह नहीं है, गोल कर देगा, देखो यहाँ बनाते हैं, कहाँ जगह है मेरे पास, चलो यहाँ कुछ क्रॉस सेक्शन दिखाने का प्रयास करते हैं, आधा आधे नेंटेक वाला गलती है फिगर बनाता है, ऐसे करे हो ना, करे हो ना, दूसरे फिगर ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे दिखाया जाता है क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में, वो गोल कर देगा सबको, समझ में आएगा ना मेरे कारण सर, ऐसे क्यों दिखा है टेक्निकल वो टेक्निकल का ही है, मैंने तो पहले ही चीज बता दिया है, मैंने कहाँ का दिया है, कैसे नंटेक वाला बता देगा कहीं, इसलिए इसलिए मैंने कहा मत जान लो, अरे वो भी कहते काफी चीज है, ये भी बता दे कैसे दिखा, वही तुम्हारे लिए काफी अभी है, टेक्निकल वो ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा काफी चीज पढ़ना, उसके लिए तुमको इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले, चलो इधर बात करते हैं, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ेगा तब ना। तो मैंने ये एक वायर ले लिया, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी अधिक होंगे, तो मान लेते हैं इसमें असंख्य इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या होंगे इसमें, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन होंगे, है होंगे ही, तार है तो होंगे ही इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर लिए हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। सपोज दैट ये एक वायर है, ये क्या है, करंट किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कोई भी सुचालक, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जल्दी करो ना, कैसे होगा? तो मैंने कहा कि किसी वायर से अगर इलेक्ट्रॉन पास करती है, गति में रहेगी, उसी कहते हो तार से क्या बढ़ रहा है। अच्छा थोड़ा समझने का प्रयास कर, जैसे वो एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर, अभी से करंट पास करेगा नहीं करेगा, देंगे तो नहीं करेगा, मैंने क्या कहा। अच्छा ये वायर है, इसमें क्या होंगे पहला बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है, मैंने क्या कहा, कंडक्टर बताओ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, 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 ठीक है कोई बात नहीं, होगा तो होगा तो करंट पास करना चाहिए ना, लेकिन कहाँ पास कर रहा है, ये बल्ब है ना, ये वायर, इसमें इस वायर में क्या है अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, कहाँ करंट पास कर रहा है इसमें से, अरे शांत रहो, मैंने क्या कहा, ये क्या है, एक इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु होगा, अरे धातु है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो करंट पास करना चाहिए ना, लेकिन कर कहाँ रहा है, मैंने इसीलिए तो पूछा, अभी इसी इलेक्ट्रॉन क्या पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देंगे तब ना सर, ऊर्जा देंगे तब ना, अभी ऊर्जा वाला बात काम किए थे, अभी तो सिर्फ यही पढ़ाए हैं, वायर है, फिर इलेक्ट्रॉन है, करंट पास करेगा, ये तो वायर है, फिर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ करंट पास कर रहा है, इससे कौन चीज देगा, ऊर्जा देगा तब, इलेक्ट्रॉन देगा उसको, उसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन भरा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का है, तू देगा,
गति में आएगा सर, उपजा देंगे तो यहाँ से वहाँ उपजा लेकर के पहुँचाएगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप बोले तो फिर आपका दिन नहीं होगा, वो मेट्रिक तक ठीक है, आप करेक्ट करेंगे उसको उस वक्त उसी लायक का था इसीलिए वही दिया। एनर्जी ये है लेकिन उसके अंदर हम जाना चाहते हैं, उस समय आ चुका है उस लायक, क्योंकि अब अटल ज्ञान तुम्हारे पास हो गया, इसका ज्ञान था कौन समझना का, तो कैसे समझाते बताओ। ऊर्जा मैंने कह दिया समझाने के लिए, ऊर्जा है ऊर्जा देंगे तब तब जी सर। नदी का फ्लो कब होता है इसका सर? सपोज दैट मान लो एक पाइप है, इसमें क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, पानी भरे हुए हैं। क्या पानी भरल है? क्या पानी पास करेंगे? नहीं। क्यों नहीं पास करेंगे? धक्का देंगे तो हाई एनर्जी। लेवल सेम दोनों का है, लेवल क्या है सेम है, और वही पानी ऐसे कर देंगे तो पानी क्या होंगे? हवा कब आता है? हवा कैसे फ्लो होती है? हाई से लो, पानी कैसे फ्लो होता है? हाई से लो, सब हाई से लो। ऊंच से किधर जाएंगे? निम्न की तरफ जाएंगे, तभी ना उस प्रकार से है ना। एक्चुअली में रीजन क्या, देखो इलेक्ट्रॉन है और वो गति भी कर रहे हैं लेकिन करंट पास नहीं कर रहे हैं उससे, समझने का प्रयास करना। उस वक्त आधा अधूरा ज्ञान दे, क्योंकि उसी लायक था तुम, अब संपूर्ण ज्ञान लो। अब कुछ हो गया ऐसा नहीं है, अभी संपूर्ण ज्ञान अभी उस लायक नहीं हुए हो। टेक्निकल में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाला गहन अध्ययन करते हैं करंट के बारे में, उन लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है करंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाला और इलेक्ट्रिकल वाला, क्योंकि दोनों का काम है वही है तार जोड़ना। तार जोड़ते समझ रहे हो ना, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन है और गतियों कर रहा है, तूने खुद कहा था केमिस्ट्री में क्या कहा था, ना परमाणु है इसका तो वायर है, इसमें परमाणु होंगे, एटम होंगे ना, एटम होंगे तो क्या होंगे, न्यूक्लियस, और उसके तरह तरह कौन चक्कर लगाएगा, और हमेशा एक निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं। अब आप सबको जोड़ो, सबको फिजिक्स केमिस्ट्री की मिलाओ आपस में, इस वायर में इलेक्ट्रॉन है और गतियों कर रहा है लेकिन फिर भी करंट पास नहीं कर रहा है, पाइप है और पानी है और फिर भी नहीं बह रहा है, कुछ मैंने प्रयास करना, मैंने क्या कहा, वायर है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, और गतियों कर रहा फिर भी करंट पास नहीं कर रहा, ऐसा इसलिए हो रहा है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है उधर चल और दूसरे का इधर चल, तो बैलेंस हो जाएंगे, इधर उधर भागता है, एगो लेफ्ट एगो राइट एगो पार्ट एगो डाउनवर्ड, तो बैलेंस हो रहे हैं, करंट पास इसलिए नहीं करते क्योंकि रैंडमली मोशन होते हैं, किसी खास डायरेक्शन में गति सब नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी खास दिशा में गति नहीं, जिसके वजह से तार में करंट नहीं बहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी गति कर रहे हैं फिर भी। अब उसी को क्या करना, एक दिशा देना है, तुम सब इस दिशा में जाओ, तो फिर दरबार मानना करेंगे दिशा में, तो बहाना शुरू करेंगे तो बोलेंगे वायर में करंट क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब वो कैसे किया जाए, अब वही तो आगे करेंगे। अब क्या करना है, अरे पहले ये सीखो कारण क्या फिर निवारण, जब समस्या पता रहेगा, एग्जाम फला क्वेश्चन में चीटिंग किया चीटिंग करेंगे तो पता कैसे चलेगा, पहले समस्या ला फिर उसको क्या है, इसलिए समस्या से भी घबराना, समस्या है तो समाधान भी हो, कोरोना कोरोना किया तो वैक्सीन नहीं मिला तो फिर मिलवे करेगा ना, तो मैंने क्या कहा, सुनो मैंने क्या कहा, आज भी दिया मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वायर में इलेक्ट्रॉन भी है, गति भी कर रहा है लेकिन एक खास दिशा में गति जिधर मन है इसीलिए करंट ने पास कर रहा है, हमको उसको क्या करना है, जीवन को दिशा देना है। अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसके लिए कहीं से बैटरी लाओ, क्या करो कहीं से बैटरी लाओ, उसमें तो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब होते हैं। हाँ रामलाल इसमें बोलो प्लस को माइनस को जल्दी बताओ, एकदम पढ़ लो तुम्हारा कापिया कलम में मेरा प्लस में चलता है, चलो इधर। इस वायर को क्या करेंगे, दो चार को हाई वोल्टेज लाएंगे, बैटरी उसको जोड़ देंगे, बैटरी ले करेगा जोड़ दो, एक सिरा से कनेक्ट कर दिए और फिर दूसरे सिरा से क्या किए, कनेक्ट कर दिए। अच्छा बड़का वाला होता है प्लस, छोटका वाला होता है माइनस, बात समझ में आ गया ना, चार पाँच बैटरी लगा दिया जाएगा, मान्यता को लगा दो बैटरी, बैटरी दसमा इसी प्रकार से होते हैं, दसमा से बताते हैं, यहाँ मान लेना वही है, एग्जाम में पूछेगा बड़का वाला क्या होंगे, छोटका वाला क्या होंगे, ये बहुत सारा बैटरी इस वायर को क्या कहिए हैं, जोड़ दिए हैं, बैटरी को इस वायर से क्या किए हो, जोड़ दिए। अब बताओ
एगो बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, एगो बैटरी का क्या है नेगेटिव टर्मिनल। बताओ बैटरी में कितने करंट पास करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव से सर जी माइनस से तन नेगेटिव सर जी माइनस से। ठीक है कहा बैटरी में जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन करंट पास करेगा पॉजिटिव से, ऐसे पास करते। ठीक है तो अब इतना जानो अभी इसमें मतलब सुनो, अरे इसमें उल्टा गप है सीधा एक्चुअली में साइंटिस्ट सब ने ऐसा किया बताते हैं। वो तो बताए थे दसवें में बताए बताए थे ना बताए थे दसवें अभी नहीं मुझे पूछे थे तो सुनो। इसीलिए बैटरी से क्या किए हो कनेक्ट कर दिए हो, बैटरी से क्या किए हो कनेक्ट कर। ठीक है ये कनेक्ट करने से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मैंने क्या कहा पोटेंशियल, बैटरी को जैसे कनेक्ट कर दिया तो बैटरी में कुछ जैसे कनेक्ट किए हो बैटरी में कुछ इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। प्लस पर और कुछ और आवेश और माइनस पर कुछ और जिससे आवेश का फ्लो होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। समझो समझना चीज को। मैंने क्या कहा जैसे बैटरी कनेक्ट करते हो वायर से उसमें कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होती है कुछ होता होगा, उन्हें पढ़ना है एलेवंथ में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही सब चीज विस्तार से। हाँ उसमें कुछ इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अभिभव का फलो होना क्या होंगे आवेश का फलो होना, विभवांतर क्रिएट होगा आवेश का फलो चालू हो जाएंगे। तो आवेश का फलो चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर उच्च विभव क्रिएट हो जाता है हाई पोटेंशियल, यहाँ कैसा क्रिएट हो जाएंगे उच्च विभव, और यहाँ पर लो पोटेंशियल निम्न विभव क्रिएट हो जाते हैं। अब विभव क्या होता है मान के चलते हूँ तू जानता है, कोई दिक्कत यानी कि पॉलिटेक्निक कब लोग करते हैं मैट्रिक के बाद तू मैट्रिक पास हो इसलिए जानता है समझ मान लो कि जानता है इसमें क्या जनरेट हो गया सब बात हमने आता एक क्वेश्चन चक्कर कराने इतने मेहनत कर रहे हैं नहीं तो नहीं करते। जैसे बैटरी से कनेक्ट किया इसमें क्या होंगे एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल। अच्छा अब बताओ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल तो धारा बहता है उच्च विभव से किधर तरफ तो करंट बहेगा हाई पोटेंशियल से किधर निम्न विभव की तरफ। एक्चुअली में ऐसे होते हैं ऐसे साइंटिस्ट शुरू में क्या किए थे मान लिया था। मैंने क्या कहा करंट पास करते हैं हाई पोटेंशियल से साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया था शुरू में, लेकिन बाद में जब खोज हुआ तो वो पता चला ये तो माइनस से प्लस की तरफ करंट दरबार मार रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दरबार लगा रहा है माइनस से प्लस की तरफ तो करंट हकीकत में मारता है माइनस से प्लस की तरफ। कन्फ्यूजन नहीं हो थ्योरी गजपट नहीं हो इसीलिए जो पहले माने थे वही टरट लिए सब करंट पास करता है प्लस से माइनस, लेकिन एक्चुअली माइनस किधर पास करेगा क्योंकि करंट उधर बहेगा जैसे इलेक्ट्रॉन दरबार लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन दरबार लगाएगा माइनस से प्लस माइनस में। दसवें में बता दिए थे हम लोग इसलिए अभी तभी पूछे तो बोले हम समझ में आ गया ना। अब बताओ जिधर इलेक्ट्रॉन की दिशा है उसके इलेक्ट्रॉन गति कर रहा इधर तो करंट बह रहा है किधर इधर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा दूसरे क्या होती है अपोजिट होती है। करंट बहेगा प्लस से माइनस तो उसके अपोजिट बहेंगे इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं टिक लगाने के लिए करंट दिशा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत। इस प्रकार से बतानी है तुमको समझ आएगा ना तो लिखल है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश निगेटिव या ऋणात्मक का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं निम्न विभव किधर जाएंगे लो पोटेंशियल से लेकिन किधर जाते हैं उच्च विभव, लेकिन विद्युत धारा उच्च विभव से फ्लो करता है निम्न विभव की तरफ। ज्यादा बात करने से बात क्या होती है समझ में आ गया ना। और ह्यूमन बॉडी का अपवर्तक 10 पावर कितने में होता है 5 क्या हुआ अरे रहने दो तुम्हारा मन है सर लिखते हैं नहीं है खाली बोल बोल के लिख जा रहे हैं और मेरे पास पेज तो है ही नहीं सर, मैंने कहा उसी में खेप लेंगे हम सर। यहाँ पे रजिस्टर तो कम ही दिया था कैसा पाँच में कितने होता है 1,00,000 हुआ ना। ठीक है 50,000 में बोला 1,00,000 बोला कौन खराब बोला अलग डाटा होते हैं रजिस्टर अलग डाटा फेरी करते हैं एकदम को क्यों रहेगा क्या रेलवे में कुछ और रहेगा एसएससी में कुछ और रहेगा तुमको लोटे देना तुम्हें 50,000 रहेगा
तुमरे लॉल टेक्निक के लाइक 50,000 काफी है। अच्छा समझ में आया? हां अब थोड़ा सा समझ लो, अब थोड़ा सा समझ लो सर जी। सर सर थोड़ा सा चैप्टर को आप है ना ये पन्ना को खत्म करने लगा। इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा है इतना पढ़ा तो डिफरेंशिएशन नहीं। लोग पूछेगा तू क्या कहेगा, तेवत कैसे कहेगा? अच्छा बोल दे, एक लेम ने कहेगा इसलिए तो बोल देते हैं। इच्छा सर हर वक्त विद्युत आवेश देखो इलेक्ट्रॉन इससे पहले जब बैटरी से नहीं किया था कनेक्ट, इधर उधर गति कर रहे थे, और जैसे बैटरी से कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिससे करंट एक खास दिशा में गति करना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किए शुरू किए, इलेक्ट्रॉन सब देखो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है। विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ आ गया ना? विद्युत आवेश के या इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित दिशा में गति जो करता है ना उसी क्या कहते हो? विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रोग्राम कल करेंगे।